मर्डर मुबारक, जब मैंने इस फिल्म का नाम सुना था तो मुझे लगा था चलो बड़े टाइम बाद कुछ नेटफ्लिक्स पर इंडिया से अच्छा आने वाला, और सच मानो दृश्यम देखने के बाद मुझे लगा नहीं था कि अगले कुछ सालों तक दृश्यम जैसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन तुम्हारी भी मेरी तरह मर्डर मुबारक के साथ उम्मीद जागी थी, तो रुक जाओ, उस उम्मीद को वहीं रोक लो और जाके इससे बढ़िया कोई 10 साल पुरानी फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म देख लो, वो भी इसके आगे हिट लगेगी। जिसने 2 घंटे इस मूवी को बिना ब्रेक लिए देख लिया है तो सच मानो वो जीनियस है। 21 तोपों की सलामी है उसे। मैं तो शुरू के 20-30 मिनट में ही सोचने लग गया कि आगे देखूं या फिर नहीं, मगर फिर भी मैंने इसे 10 घंटे में देखा 2 घंटे की मूवी को। मर्डर मुबारक स्टोरी मर्डर के ऊपर बेस्ड है। एक राजा है, उसका एक महल है और वहां जंगली जानवर रहते हैं। जंगली जानवर से मेरा मतलब वो लोग जो अपनी एक्टिंग करियर को इस मूवी के थ्रू एंड करने आए। उस महल में एक मर्डर होता है, जिसका मर्डर हुआ है वो एक जिम ट्रेनर है। उस मर्डर की गुत्थी को सॉल्व करने पंकज त्रिपाठी एज ACP आए हैं, लेकिन पहली बार उनके बारे में मुझे कहना पड़ रहा है कि वो खुद भी क्या ही कर रहे हैं, उनका भी कुछ समझ नहीं आ। एक मर्डर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं सबसे जैसे होटल का वेटर ऑर्डर ले रहा हो। इतना शांत पुलिस वाला मैंने आज तक नहीं देखा। कहानी में एक मर्डर सॉल्व नहीं होता, दूसरा हो जाता है, पहले जिम ट्रेनर का, फिर बिल्ली का, एंड देन फिर घर के एक और मेंबर का जो नौकर है। ट्विस्ट एंड टर्न तो बहुत है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है जिसको देखो वो अपनी ही धुन में लगा है। ये तो हुई कहानी की बात, लेकिन मर्डर से ज्यादा फोकस इंटीमेट सीन्स पर है। जैसे जैसे लगने लगता है कि अब कुछ देखने को मिलेगा मर्डर के बारे में, वैसे ही कहानी अपनी दिशा बदल देती है। इस फिल्म में पूरी फैमिली ही टॉक्सिक है। कैसे कैसे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी का कुछ पता नहीं। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका BF है, कौन किसका पड़ोसी है, कौन मालिक है, कौन नौकर है, कुछ समझ नहीं आएगा। देखो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, इन दोनों का करियर तो पीक पर है, लेकिन ये दोनों क्यों थर्ड क्लास फिल्में पकड़ रहे। जैसे हर एक्टर हर फिल्म को अच्छी नहीं बना सकता, वैसे ही हर डायरेक्टर हर फिल्म को अच्छी नहीं बना सकता। फिल्म का नाम ना देके इसे वेब सीरीज का नाम दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता, जिससे लोग कुछ टाइम बाद भूल जाते कि कोई वेब सीरीज भी आई थी, लेकिन फिल्में हमेशा याद रहती। एक टाइम पास फिल्म होती है, ये टाइम पास भी नहीं है। मेरी तरफ से 1.5 स्टार इस फिल्म को।